हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ जैसे किंग ई रिक्शा बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग जैसा किंग ई रिक्शा खरीदना है अभी के समय में एक्यूरेट का ऑन रोड प्राइस नेक्सोरूम प्राइस होगा उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग ई रिक्शा को फाइनेंस में निकालना है तो डाउन पेमेंट लोन अमाउंट मैं कैलकुलेट करके आप लोगों को बताऊंगा। अगर ई रिक्शा का जो भी स्पेसिफिकेशन होगा तो सारी बातें इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना। अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ई रिक्शा का स्पेसिफिकेशन बारे में बात कर लेते हैं। बैटरी टाइप होगा लेड एसिड, बैटरी कैपेसिटी होगा 130 Ah, मोटर टाइप होगा BLDC मोटर, मोटर पावर होगा 1000 W, वोल्टेज होगा 48 V, माइलेज होगा 100 km, टॉप स्पीड होगा 25 km/h, चार्जिंग टाइम होगा 8 आवर्स, सीट कैपेसिटी होगा ड्राइवर क्लास 4 पैसेंजर्स गाड़ी में बैठ सकता है। दोस्तों, ई रिक्शा का एक्सोरूम प्राइस होगा 1,40,000, आर ई टी ओ प्लस इंश्योरेंस आधा चार्जेस सभी टैक्स मिला के ई रिक्शा का ऑन रोड प्राइस होगा 1,70,000। आपका पास बजट कम है तो फाइनेंस में निकालना है तो डाउन पेमेंट आप लगा 50,000, लोन अमाउंट बनता है 1,20,000। अगर जिस कंपनी से फाइनेंस कर रहा है इस कंपनी को रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, मेन उसका टाइम लिया था 6 मंथ 3 ईयर के लिए, पर मंथली ई एम आई निकल कर आएगा 3,800 rupees पर मंथली पे करो कंपनी को। दोस्तों, अगर आप लोग ई रिक्शा को आधा सीरीज से खरीदना है आप लोग नीचे कमेंट कर सकता है, मैं कमेंट का रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।